हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और एक YouTube को मैंने अभी पब्लिश करता है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर का बच्चे लोग और भी कुछ बातों को समझना, क्योंकि हम जो रहता है ऐसा समय पर जो समय है, बहुत लोग उठा और बहुत लोग गुमराह करते हुए लोगों को, बहुत सेवक लोग होने दो, मिनिस्टर्स लोग होने दो, क्योंकि वो लोगों को मालूम नहीं है वो लोग खुद किधर खड़ा है, वो लोगों का जो स्थान जो है वो लोग खुद को मालूम नहीं है, दूसरे को भी वो लोग भरमाएगा और डिसीव करेगा और सातान का पास लेकर जाएगा। इसलिए मैं आज जो बातों को बोलना चाहता है उसको वो जो है ये जो युग है, अभी हमारा जो युग है पूरा प्रकाशन को पाया हुआ युग है। कभी भी ऐसा युग को हम कभी भी देखा नहीं, ऐसा युग में हम लोग रहता है। पूरा रेवलेशन को हम लोग पाया, पूरा रेवलेशन को परमेश्वर ने हमको दिया। क्योंकि मेरा प्यारा भाई और बहनों, अभी देखिए भाई ब्रैनम का जो मिनिस्ट्री है, बहुत लोग सोचेगा हम भाई ब्रैनम को बहुत कम करता है नीचे, नहीं नहीं नहीं, भाई ब्रैनम का सेवकाई सबसे बढ़िया है। क्योंकि अभी मैं वचन के अनुसार बोलते हैं, जो स्त्री में जन्म पाया हुआ नबी लोगों में भाई ब्रैनम, जॉन द बैप्टिस्ट भाई ब्रैनम सबसे बढ़िया है। मगर जो एक छोटा जो कम का जो व्यक्ति टोकन के लिए खड़ा है वो उनसे भी बढ़िया है। अभी आप समझ लो, वो वचन है। अभी आप नहीं बोलते, मैं नहीं बोलते, वचन बोलते हैं। इसलिए टोकन के लिए हम खड़ा है, हम उनसे भी बढ़िया है, भाई ब्रैनम से भी हम बढ़िया है। भाई यीशु मसीह ने ये बातों को बोला, वन लीस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड, बोलेगा तो बहुत कम में, जो लीस्ट बहुत कमी में जो प्रभु का राज में है वो जॉन द बैप्टिस्ट से भी बढ़िया है, बोलो। इसलिए मैं अभी कुछ बातों को बोलना चाहता है। देखिए भाई ब्रैनम जो मिनिस्ट्री को बनाया, संपूर्ण रूप से उसका मिनिस्ट्री बहुत जबरदस्त बना, जबरदस्त हुआ, इनके लिए हम साक्षी है। मगर ये एक बातों को बोलना चाहता है, भाई ब्रैनम का जो जो उन्होंने बाइबल के अंदर का सारा बात खुलासा करने से पूरा रेवलेशन नहीं आया, और पूरा रेवलेशन नहीं आया। इसलिए मैं बोलना चाहता है, क्योंकि जो महाबली दूत उतरा, महाबली दूत, उनके लिए भाई ब्रैनम साक्षी है। श्रीमान यही क्या वो समय करके वो प्रचार किया, वो बोलता है द माइटी एंजल अभी इधर है, बोलते है वो, समझ गया, माइटी एंजल। क्योंकि भाई ब्रैनम कैसा बाइबल के अंदर का बातों को खुलासा किया और तुरंत दूसरा मिनिस्ट्री वहां पर चालू हो गया, वो जो है सातवां मोहर का सेवक है। अभी भाई ब्रैनम पूरा रेवलेशन को नहीं लेकर आया, बराबर सुनिए, भाई ब्रैनम आधा हमको बताया, आधा चीजों को बताया, पूरा नहीं बताया। भाई ब्रैनम हमको आधा चीजों को बताया, बाइबल के अंदर का गुप्त बातों को बताया, और भी हम लोग इन बातों को समझा नहीं, तब तक ये सातों मोहर खुलासा नहीं हुआ, हमको ये सब बात मालूम नहीं पड़ा। मगर भाई ब्रैनम हमारे लिए सब बातों को नहीं बताया, कंप्लीट रेवलेशन को हमको नहीं बताया। मगर यहां पर एक दूत आ गए, उनका हाथ तो हाथ में ये खुली हुई किताब था, जो खुली हुई किताब उनका हाथ में था, महाबली दूत का हाथ में था। अभी किताब कब खुलासा हुआ, सातवां मोहरा भी खुलासा होना चाहिए। अभी ये महाबली दूत आने पर पूरा सातवां मोहरा खुलासा हो गया, सातवां मोहरा का पूरा खुलासा हो गया, क्योंकि किताब पूरा खुलासा होने के बाद, अंदर का और बाहर का दोनों भी खुलासा होने के बाद ही माइटी एंजल जो महाबली दूत वो किताब को लेकर आया, किसको देने के लिए आया, वो किताब को लेकर किसको देने का है, कोई डिनोमिनेशन को ना, मलाकी 4:5 का चर्चेस को नहीं, वो दुल्हन के लिए लेकर आया, वो दुल्हन को देने वाला, क्योंकि वो वाचा को बांधने वाला एक दूत है। भाई ब्रैनम वाचा को बांधने वाला दूत नहीं है, भाई ब्रैनम वाचा को बांधने का दूत के लिए रास्ता बनाया, और उनका मिनिस्ट्री जो है वाचा का दूत को बनाने वाले का, रास्ता बनाने वाले का मिनिस्ट्री है। वो जबरदस्त रास्ता बनाया, जबरदस्त नेव डाला, मगर वाचा का दूत भाई ब्रैनम बिल्कुल नहीं है, वाचा का दूत जो है प्रभु यीशु मसीह है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसलिए मैं बोलता है ये जोसेफ को ब्रैनम होने दो और बाकी लोग होने दो, ये बोलता है वो लोग खाली ब्रैनम से सब कुछ है, मेरे को लगता है मूर्ख लोग है वो लोग,
वो लोग मूर्ख लगे, वो लोग भाई ब्रैनम का मैसेज को हालांकि बराबर पढ़ा भी नहीं, स्टडी भी नहीं किया। हकीकत में वो लोग भाई ब्रैनम जो बोला है उनके अनुसार वो लोग नहीं है, मगर धन्यवाद है किसी न किसी को परमेश्वर ने यहाँ पर कोई झुंड को यहाँ पर रखा है, वो झुंड के पास सचमुच का सच्चाई है। वो इधर हो उधर हो, दुनिया का कौन सा में कोने में होने दे, वो लोग प्रभु का सच्चा बातों को पकड़ के रखा है। और वो यस अभी यहां पर देखिए, ये जो पूरा कवनेंट पूरा वाचा जो है, ये वाचा को लेकर महाबली दूत आ गए, माइटी एंजल। अगर माइटी एंजल बोलेगा तो आप समझना ये वो जो है क्राइस्ट है, क्राइस्ट का जैसा माइटी एंजल कोई भी नहीं है, मसीह जो है माइटी एंजल है। अभी ये माइटी एंजल आ गया और वो माइटी एंजल का हाथ में खुली हुई किताब था। अभी आप समझ लेना, इसलिए भाई ब्रैनम ऐसा बोलना पड़ा, सून आफ्टर माई मैसेज देयर विल बी ए व्हाइट ईगल मैसेज करके बोला। सही बात है, व्हाइट ईगल और कोई नहीं है, वो मसीह है, क्राइस्ट है। ओ यस, अभी मेरा प्यारा भाई बहनों, अभी भाई ब्रैनम जो भी किया उनको परमेश्वर ने ऐसा काम दिया जो बाइबल के अंदर का सारा गुप्त बातों को खुलासा करने का, क्योंकि रेवलेशन 10:7 में क्या बोलते हैं, तब वो दूत आवाज करेगा, बाइबल का अंदर का सारा भेद को उन्होंने खुलासा करेगा बोला। वो सही बात है, मगर बाइबल का भार का जो भेद है वो भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री नहीं है। मैं बहुत बार इन बातों को बोला, कहो आप लोग मांगते तो सर नीचे पैर ऊपर करके सर्कस करो, वो बात ही नहीं है। वो का ये हम लोग कभी भी आप कोई किसी को भी कौन सा भी जगह पर रहने दो, हम चैलेंज करने वाला है। अगर आप बोलेगा भाई ब्रैनम सारा क्या गुप्त बातों को बताया, सारा रेवलेशन को लेकर आया, आप बोलेगा फिर आप बताओ सातों मोरक क्या है, सेवन थंडर क्या है, वो यस ये सब क्या है मेरे को बताओ, क्या मैसेज है वो, सातों मोरक का मैसेज क्या है, सातों गर्जना क्या है, ये सब आप मेरे को बताना, मैं भी आपसे सीखना चाहता है। मगर आप लोगों को खुद को मालूम नहीं है, खुद आप लोग वहां पर इधर उधर घूम घूम के लोगों को भरमाने वाला है और लोगों को आप लोग पूरा अंधेरा में धकेलने वाला है, आप लोग खुद को मालूम नहीं है। मगर इधर एक बात बोलता है मैं, देखिए अभी रेनबो जो है, मेघ धनुष जो है, वो दिखाता है ये वाचा को, क्योंकि वाचा का जो चिन्ह है मेघ धनुष है, और ये मेघ धनुष को लेकर महाबली दूत आ गया, क्योंकि उनका उनमें से मेघ धनुष है। अभी इधर देखिए, आप उसको मेघ धनुष को देखे तो आपको आधा मिलेगा, ये मेघ धनुष आपको आधा दिखने को मिलेगा, मगर यीशु मसीह के पास पूरा मेघ धनुष है, मगर आपको दिखने को मिलेगा आधा। ये आधा क्या दर्शाता है, आधा जो है वो हमको हमारा नबी ने बताया, आधा मेघ धनुष वो कौन है, हमारा नबी भाई ब्रैनम ने मैसेंजर ने बताया, बाकी आधा जो है सातवां मोरक के नीचे छुपा है। वो यस अभी आधा जो उन्होंने हमको बताया, आधा रेवलेशन हम बोल सकते हैं, आधा रेवलेशन हमको बताया, मगर बाकी जो आधा है वो सातवां मोरक के नीचे छुपा है। यस अभी आप लोग पूछेगा वैसा कैसा हो सकता है, क्योंकि भाई ब्रैनम 6 मोहरों तक प्रचार किया, भाई ब्रैनम पूरा बाइबल का खुलासा नहीं किया, भाई ब्रैनम ने वो क्या बोलता है हाफ एन आवर आधा घंटे का साइलेंस का बारे में बताया नहीं। भाई ब्रैनम को मालूम नहीं था कौन सा मनुष्य कौन सा वेसल है, कौन सा पात्र है वो सातों मोहरक का खुलासा के लिए प्रभु ने रखा है, वो मालूम नहीं था भाई ब्रैनम। बहुत सातों मोहरक का जो लॉट आएगा तो उन्होंने बोला, मेरे को मालूम नहीं बोला। मगर यहां पर आप देखिए, ये आधा जो मेघ धनुष जो है, आधा को आप देखते हो, आधा को ये आधा जो है हमको भाई ब्रैनम बताया, बाकी आधा सातवां मोहरक के नीचे छुपा है। अभी मैं आप लोगों को प्रश्न पूछता है, जो आप लोग दावा करते हो हम लोग रैप्चर में जाएगा, हम लोग रैप्चर में जाने वाला है, हम लोग को पवित्र आत्मा का बाप्तिस्मा बहुत लोग बोलते हैं मिला बोलता है, और बहुत लोग बोलते हैं हमको मिलने वाला है। मैं बोलते हैं आधा रेवलेशन को लेके आप संस्था का समान है, क्योंकि आपको खाली आधा मिला, आधा में आप रैप्चर में नहीं जा सकते, क्योंकि आपको मिला सिर्फ और सिर्फ आधा रेवलेशन मिला आपको।
पूरा नहीं मिला, मगर परमेश्वर को धन्यवाद करता है। ये युग जो है हम जो खड़ा है, ये ब्राइड का जो युग है, वो दुल्हन का जो युग है, इधर आधा नहीं है, पूरा रेवलेशन, क्योंकि बाकी आधा जो छुपा है सातवां मोहर के नीचे, वो पूरा हमको मिलना चाहिए। और इसलिए मैं बोलता है, जो आधा को लेके आप लोग इतना खुदी मारते हो, इतना हल्ला करते हो, और आधे में खड़े रहते हुए इतना सारे यूट्यूब को आप खोलते हो, इतना सारे यूट्यूब में आप बात करते हो। एक बोलता है क्यों वो भी बोलता है हेडस्टोन, अभी हमारा हेडस्टोन असेंबली है, हेडस्टोन में हम आ गया। और डाल्टन बुश बोलता है मैं जो प्रचार करता है वो सेवन थंडर है बोलता है, और बाकी विंडायल बोलता है मैं जो व्हाइट ईगल जो है मैं करके, ये अनेक अनेक लोग ऐसा बोल के लोगों को पूरा उधर इधर डाल दिया। और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, जो लोग हमारे ये YouTube को सुनता है वो लोग सही में चलेगा, बोलेगा तो ये जो मैं बोलता है कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं, मैं एक मनुष्य, मैं एक आदमी है, और मैं मेरा अपना आप को मैं सेवक बोलने के लिए मैं सोचता नहीं है, क्योंकि ये जो है जो मैं यहां पर खड़ा है, मैं मेरा नम्रता से बोलता है मैं भी बहुत बातों को सीखा प्रभु से, क्योंकि मैं प्रभु को धन्यवाद बोलता है भाई ब्रैनम के लिए और दूसरा एक सेवक के लिए, सेवकाई के लिए। और इसलिए मैं बोलते हैं अभी आप लोग से आप लोग देखो जो सातवां मोहर के नीचे छुपा है वो बाकी आधा है, वो कुल मिला के पूरा कवनेंट बनेगा, पूरा मेघधनुष होएगा, वो पूरा मेघधनुष जो है उनका पास, किसका पास है, वो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का पास, पूरा मेघधनुष उसका सर में, पूरा राउंड में है। वो क्या है, वो जो है राजा, खुली हुई किताब के द्वारा राजा आता है, क्योंकि राजा कौन है, हमारा राजा कौन है, मसीह है, क्राइस्ट है, खुली हुई किताब के द्वारा वो आता है। कितना महान मिनिस्ट्री आप लोग समझो। मैं आज आप लोगों को ये बात बताना चाहता है, भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री से भी बढ़िया मिनिस्ट्री जो है राजा आने का, जो किंग आने का, वो किंग स्वर्ग छोड़ के आ गया, उनका हाथों में पूरा खुली हुई किताब है, आधा नहीं पूरा। अभी मैं बोलते हैं भाई ब्रैनम खाली आधा तक खुलासा कर दिया, उसका मिनिस्ट्री जो है आधा वेद को खुलासा करने वाला सेवक है, ये जो बाइबल के अंदर का जो लिखा हुआ, वो भी लिखा हुआ वेद को खुलासा करने वाला उनका सेवक आई है, और उन्होंने आधा खुलासा कर दिया। आधे में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आधे में ब्रेड तैयार नहीं होता है। ये आधा प्रकाशन को पकड़ के आप 4 फुट 5 फुट 10 फुट खुदी मारते हो, वो कुछ नहीं है। आप लोग को देखे तो मेरे को हंसी आता है, मैं हंसता है कभी कभी, क्योंकि इतना यूट्यूब में मैं सब लोगों को देखा, बहुत यूट्यूब को मैं कभी कभी वॉच करता है, मैं देखने से मेरे को हंसी आती है, क्योंकि ये आधा आधा जो मालूम हो गए वो उसका भी अनुसार नहीं है, वो लोग का डायरेक्शन ही अलग है। मगर भाई ब्रैनम हमको आधा तक बताया, मैसेज आधा तक बताया, पूरा नहीं बताया। मगर कभी ये महाबली दूत उतर के आ गया, उसका हाथ में पूरा खुली हुई किताब था, उन्होंने जॉन को बुला के बोला खाओ करके, क्योंकि जॉन वो व्यक्ति नहीं है वो खाने वाला, क्योंकि वो दिखाता है जॉन वो जो खाने वाला जो है ब्राइड है, वो स्क्रॉल को पूरा किताब को खाने वाला। अभी हम लोग वैसी जगह पर खड़ा है, किताब को खाने के जगह पर हम लोग खड़ा है, हम लोग किताब को खाने वाला है, हम लोग ना किताब को प्रकटित किया लोग नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, जो किताबों को जो महाबली दूत लेकर आया वो किताब को हम लोग खाता है, क्योंकि खाने के बाद ही बाइबल में दिया है भविष्यवाणी करो करके, आप खाने से आपको टोकन मिलेगा, आप खाने से पूरा किताब, आधा नहीं भाई ब्रैनम का आधा किताब नहीं, पूरा किताब को आप खाना चाहिए। पूरा किताब को खाने के लिए आपको सातों मोहरा मालूम होना चाहिए, पहचान होना चाहिए, जो व्यक्ति को प्रभु ने उपयोग किया उनका पहचान होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, जो वो व्यक्ति बड़ा नहीं है मगर परमेश्वर बड़ा है, वो व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का उपस्थिति था, वो व्यक्ति को प्रभु ने उपयोग किया और उनका होठो को प्रभु ने उपयोग किया, ताकि उनका होठो से सात गर्जन निकला, वो बाकी पूरा रेवलेशन वहां पर होता है, तभी हम बोल सकते हैं ये पूरा रेनबो करके, तभी पूरा रेनबो आता है, पूरा रेनबो। अभी मैं बोलते मेघधनुष का मच्छी आधा रेनबो को लेके नहीं जाते, पूरा रेनबो है,
क्योंकि महाबली दूत पूरा रेनबो को लेकर आया, मेघधनुष को लेकर आया, पूरा मेघधनुष को लेकर। तो जो आधा जो है भाई ब्रैनम का मैसेज से हमको समझ गया, बाकी जो आधा है सातवां मोहरक का नीचे का जो गुप्त बात है वो भी प्रकटित हुआ। ये दोनों आधा आधा को मिलाया गया तो पूरा होता है, एक राउंड होता है। अभी मेघधनुष पूरा राउंड है, वो परमेश्वर का सर का पूरा राउंड में है, और लॉर्ड जीसस वो कोई मनुष्य नहीं है। भाई ब्रैनम का सर के ऊपर मेघधनुष नहीं था, खाली पिलर ऑफ फायर था, क्योंकि भाई ब्रैनम का ऊपर पिलर ऑफ फायर इसलिए था, वो विंडिकेशन था, इनको मैंने भेजा है करके। मूसा को जैसा भेजने के बाद एक विंडिकेशन हो गया जो पिलर ऑफ फायर था, वैसे ही अभी मूसा को भेजने के बाद एक जबरदस्त विंडिकेशन था, वो पिलर ऑफ फायर था, वैसे ही इधर भी ये भी मूसा का समान है भाई ब्रैनम। और उनको भेजने के समय उनके सर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वो पिलर ऑफ फायर था, मेघधनुष नहीं था, क्योंकि भाई ब्रैनम के ऊपर मेघधनुष हो नहीं सकता है, क्योंकि वो वाचा का दूत नहीं था, और वो वाचा के दूत के लिए रास्ता बनाया हुआ एक तगड़ा नबी था। ऑल राइट, अभी वाचा का दूत वही है, वो यीशु मसीह है। क्यों इन बातों को ये मलाकी 4:5 को लोग नहीं बताता है? क्यों ये लोग के पास ये सब सच्चाई नहीं है? क्यों ये लोग अपना चर्च में इन सब बातों को नहीं? क्योंकि वो लोग को मालूम नहीं है, वो लोग घमंडी लोग है, वो लोग घमंडी का एक प्रोडक्ट है। ये लोग का अंदर घमंड बहुत बढ़ गया, वो लोग के पास जाएगा तो आप और मैं बात नहीं कर सकता है, वही सब बात करता है, मगर वो लोग को हम लोग एक सेकंड के अंदर हरा के डालेगा, वो लोग का मुंह बंद करके डालेगा हम लोग, क्योंकि वो लोग हमसे कभी भी डिबेट करने को तैयार नहीं है। क्योंकि मैं एक बात बोलते हैं, वो लोग डरने वाला लोग है, वो लोग के पास सच्चाई नहीं है, वो लोग भाई ब्रैनम जो बोला हुआ सच्चाई आधा को लेके इधर उधर घूमने वाला है, हम ऐसा नहीं है, हम पूरा को पूरा, क्योंकि पूरा जो वाचक दूत ने पूरा मेघधनुष को उसका सर के ऊपर पूरा मेघधनुष था, पूरा मेघधनुष जो है पूरा रेवलेशन है, फुल रेवलेशन है, वो रेवलेशन ब्राइड को होना चाहिए, उसी में ब्राइड बनती है। और हम लोग ऐसी जगह पर हम लोग आज खड़े जो किताब को खाने के जगह पर, क्योंकि किताब खाना तभी आपको पूरा वो वाचा को देखते हो, कवनेंट को देखते हो, पूरा रेनबो को देखते हो, वो पूरा कवनेंट है। अभी भाई ब्रैनम आधा को हमको बताया, बाकी आधा भाई ब्रैनम नहीं बताया, और वो बोला मेरे को मालूम नहीं बोला, आपको मालूम है भाई ब्रैनम क्या बोला? मेरे को मालूम नहीं बोला, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वो आधा को बताया। आधे से काम होने वाला नहीं है, आधे से ब्रेड उड़ेगी नहीं, आधे से ब्रेड का रैप्चर हो नहीं सकता है। फिर आप कैसे दावा करते हो मैं रैप्चर में जाते? भाई ब्रैनम का मैसेज को सुन के, भाई ब्रैनम का आधा सच्चाई को सुन के, भाई ब्रैनम का आधा रेवलेशन को सुन के एक भी व्यक्ति रैप्चर में जाएगा नहीं, ये मैं 10 से तो लॉर्ड बोलूंगा और 10 से तो होली स्पिरिट, क्योंकि वो आधा से कोई भी काम होने वाला नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? बाकी जो आधा है वो सातवां मोहर के नीचे छुपा है। वही बातों को भाई ब्रैनम क्या बोला, मेरे को बाकी बात मालूम नहीं है, मेरे को अन्य भाषा का जैसे दिखाई दिया, मेरे को बिल्कुल सच्चा बोला वो। मैं एक बात बोलते हैं, आप लोग भाई ब्रैनम का फोटो को अलग लाके रखो मत। अभी क्या हो गया, भाई ब्रैनम जो बोला है उनको ये लोग उलट पलट करते हुए परवर्शन करते हुए बात करता है, मगर भाई ब्रैनम किधर भी बोला नहीं। जो आधा को उन्होंने हमको बताया वो परफेक्टली सही है, बाकी आधा जो है वो सातों मोहर के नीचे है, वो भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री नहीं है। भाई ब्रैनम ने सातों मोहर को खुलासा नहीं किया, वो अलग मिनिस्ट्री है। और जो छुपा हुआ जो आधा है आज हम लोग पाया है, और कुल मिला के जो आधा जो भाई ब्रैनम से हमको मिला और बाकी जो आधा सातवां मोहर का नीचे से हमको मिला, कुल मिला के पूरा रेवलेशन, फुल रेवलेशन हमको मिला है। हम दावा हम बिल्कुल सच्चाई बोलता है, और पूरा मिलने से हम ब्राइड के लिए तैयार होने के लिए लायक है, और पूरा मिलने से आप और मैं रैप्चर में जा सकते हैं, नहीं है तो आप और मैं रैप्चर में बिल्कुल नहीं जा सकते। आधा को लेके जाएगा नहीं, आप और मैं आधा को लेके जा नहीं सकता है। इसलिए मैं बोलता है ये सब बकवास है। लोग क्या करता है, ये आधा को लेके आप क्या कर सकते हैं, आधा को लेके आप किधर भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बाकी आधा आपको मालूम नहीं है। ब्राइड ऐसा नहीं बनेगी,
ब्रेड इस अंतिम दिन का ब्रेड को पूरा रेवलेशन मालूम होना चाहिए। मैं वापस दोबारा रिपीट करके बोलता है, अंतिम दिन का दुल्हन को पूरे का पूरा प्रकाशन मालूम होना चाहिए, रेवलेशन मालूम होना चाहिए। उसका बाद ही वो ब्राइड बनेगी, नहीं तो ब्राइड नहीं बनेगी, नहीं तो वो मूर्ख कुंवारी बनेगी। आधा जानकारी होने से आधा ब्रैनम, क्योंकि आप लोग दावा करते हैं हम ब्रैनम के मैसेज में, ठीक है हम भी ब्रैनम के मैसेज में, हम भी ब्रैनम के मैसेज, हम भी ब्रैनम को क्या बोलते हैं, हम भी ब्रैनम को स्वीकार किया, उनका मैसेज को विश्वास कर दिया। नहीं है तो हमको ब्रैनम का मैसेज हमको नहीं मालूम होता, होता तो हम उसका बाद में का सेवकाय को हम पहचान नहीं कर सकता था। हम भाई ब्रैनम से आगे का मिनिस्ट्री को सेवकाय को पहचान लिया, जो भाई ब्रैनम बोला उसको हम लोग पूरा विश्वास करता है। हम ऐसा नहीं है भाई ब्रैनम का मैसेज को हम वो करता है, एकदम पूरा विश्वास करता है। भाई ब्रैनम सच्चाई बोला, सरपंच सीट सही बोला, वो रेवलेशन इस अंतिम दिन में सिर्फ और सिर्फ भाई ब्रैनम को मिला सर्प के बीज के बारे में, और एक ही परमेश्वर करके भाई ब्रैनम से हम लोग पाया वो प्रकाशन को, और औरत प्रचार ना करना और बाकी सारा भेद को हम भाई ब्रैनम का सेवक ऐसे हम पहचान लिया। एक से लेके छह मोहरा का खुलासा हो गया भाई ब्रैनम हमको बताया, ये सब बातों को भाई ब्रैनम ने हमको बताया। यीशु मसीह के नाम का पानी का बपतिस्मा भाई ब्रैनम से हम लोग ये सच्चाई को पाया। ये सब होने से क्या ये सब सच्चाई हमको रैप्चर में लेके जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये सब आधा संदेश है, आधा मैसेज है, आधा रेवलेशन है, मगर पूरा रेवलेशन बाकी आधा जो प्रकाशन है सातवां मोहर का नीचे छुपा है, और उसको हम लोग बोलता है पूरा रेवलेशन, पूरा रेनबो। यस, अभी हम जो आधा रेनबो है वो भाई ब्रैनम से हम लोग को मिला, बाकी आधा जो है वो सातवां मोहर के नीचे छुपा है। तब तक सातवां मोहर खुलासा नहीं हुआ वो हमको मालूम नहीं था, मगर आज सातवां मोहर का खुलासा हो चुका है, हमको ये बाकी आधा भी हमको मालूम पड़ गया। वो कुल मिला के हम देखता है पूरा रेनबो को, हम देखता है मेघधनुष को देखता है। यस, एंड द मैसेंजर टू द ब्राइड, अभी दुल्हन का जो मैसेंजर है वो अलग है। वैस दुल्हन का जो मैसेंजर, दुल्हन का जो ब्राइड का जो मैसेंजर है वो मसीह है, वो क्राइस्ट है। सिर्फ और सिर्फ वही बता सकता है, सिर्फ और सिर्फ वही वो सातों मोहर का खुलासा कर सकता है। द क्राइस्ट इज द मिस्ट्री ऑफ द गॉड रिवील्ड, वो मैसेज में आप लोग पढ़िए, ब्रैनम का एक तगड़ा मैसेज है। वो सब मैसेज आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होता है। आपका आप लोगों का गलत क्या है मैं बताता है, आप लोग इन सारा मैसेज को नहीं बताता है, इन सारा मैसेज आप लोग नहीं सुनता है, इसलिए आप लोगों को ये सब बात मालूम नहीं है। मगर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, परमेश्वर ने हमको इन सब बातों को बताया, और इन सब बातों से हमको मालूम हो गया बाकी जो आधा है वो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है, प्रभु यीशु मसीह है, वो उसका आगमन है। वैसे उनका आगमन होने से पूरा रेनबो को हम देखता है। प्रेज गॉड, पूरा आगमन को हम देखता है। वैसे प्रभु यीशु मसीह आने पर पूरा आगमन, वो जो है सातवां मोहर खुलासा होना, और वो क्या है, वो जो है राजा है, आता है अपना दुल्हन के लिए, और उनका हाथ में खुली हुई किताब है। वो खुली हुई किताब राजा के हाथ में वो खास करके ब्राइड को देने के लिए आता है, और इसलिए हम बोलता है जो ब्राइड इनको पाई है आज वो ब्राइड तैयार हो चुकी है। वो ब्राइड को अभी टोकन एक बाकी है, अगर टोकन मिलने से ब्राइड इधर से उड़ान होने के लिए तैयार होती है। जो उड़ान है वो रैप्चर है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है, ये छोटा मैसेज मैं प्रचार किया, प्रभु ने मेरे को ये बोझ को मेरे हृदय में डाला, और इसीलिए ये मैसेज को आप लोग समझ लेना। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। गॉड ब्लेस यू।